अमदावाद ना विशाला सर्कल पर सूरत की कांचा ने डिलीवरी लेने अमदावाद आवेला शख्स की धरपकड़ करी छे। एसओची की टीमें 15 किलो गांजा ना जत्था साथ अब्दुल अजीज नामना शख्स की धरपकड़ करी छे। आर्थिक स्थिति ने सुधारवा ने गांजा नो व्यसन संतोषवा माटे अब्दुल अजीजे आ धंधा में चंपलाव्यो हतो। तेनी पूछपरछ में गांजा वेचाण ना कौभाड़ नो पर्दाफाश थयो छे। एसओचीए गांजा ना जत्था साथ मोबाइल अने रोकड़ सहित लाखों नो मुद्दा माल कब्जे कर्यो छे। 15-20 किलो गांजो लावी अने अमदावाद शहर में छूटक व्यापार करतो, 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया नी पड़ी के बनावी अने रोजे रोज ए पोतानो 2-3 हजार नो व्यापार करतो। गई काले मळेल बातमी आधारे के पोते सूरत थी बस में 15 किलो गांजो लईने आवे छे एवी माहिती हती। अब्दुल अजीज मूळ पाटण नो छे, छेल्ला 10 वर्ष थी जुहापुरा में रहे छे। अब्दुल अजीज 20 वर्ष की उम्र थी गांजा नो व्यसन बन्यो हतो अने व्यसन में सूरत ना गांजा ना व्यापारी ना संपर्क में आव्यो। पोतानो आर्थिक गुजरान चलावा व्यसन संतोषवा माटे अब्दुल अजीज सूरत माथी दर महीने 5 हजार नो गांजो खरीदतो हतो अने दर महीने 15-20 हजार कमातो हतो। शहर ना वटवा नारूल जुहापुरा जमालपुर विस्तार में युवानो अने मजूर वर्ग ने गांजो वेचतो हतो। आर्थिक मजबूरी अने एक व्यसन એ 20 વર્ષની ઉંમરથી ગાંજો પીવાની આદત વાળો હતો, સાથે સાથે એની આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ સારી ન હતી, તો આ ધંધા તરફ વળી અને પોતાનો જે આદત છે રોજે 5-7 પડીકી પીવાની એ પણ સંતોષાય અને સાથે સાથે એમાંથી દર મહિને 10-15 હજાર રૂપિયા કમાણી કરી અને એના પોતાના ગુજરાન ચલાવતો। ગાંજા વેચાણના કૌભાંડમાં સુરતના એક વ્યક્તિનું નામ ખુલ્યું છે। આ ઉપરાંત અબ્દુલ અજીજ ગ્રાહકોને ફોન કરીને ગાંજાનો વેચાણ કરવા જતો હતો, જેથી એસોચીએ आरोपी ना मोबाइल ना कॉल डिटेल्स मेळवी ने आ कौभांड में संडोवायेला आरोपी ने शोधखोळ शुरू करी छे। कैमरामैन दशरथ ठाकुर साथे अनिता पट्टी, वीटीवी, अहमदाबाद।